वैसे आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए, पर बताऊं एक बात। 3-4 दिन पहले यहाँ पे मेरे पास एक अलग ये रिलीजन के लोग आए थे, जो यहाँ पे उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस है। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस धर्म में आ जाओ, क्रिश्चियन धर्म में? फिर आपको तो पैसे भी मिलेंगे। तो मैं वॉज जस्ट लुकिंग, हाँ बोलो बोलो बोलो। एंड आई डोंट नो कैसे उनको पता चला मेरे बारे में, आई डोंट नो मेरे बारे में कहाँ से उनको पता चला, कहाँ से वो घर पे पहुंचे। और पहचान में, मतलब मेरे मासी के पहचान में थे, तो एक उनकी फ्रेंड थी उसके साथ थे, तो वो कुडन बोल, जैसे बोल नहीं सकते थे दरवाजे से बाहर जाओ। अंदर आए, बैठे और मुझे कहा कि हम आपको 25 लाख देंगे, आप परिवर्तन करो। मेरे को हंसी आ गई। मैंने बोला हम कृष्ण भक्त हैं, हम लक्ष्मीपति के भक्त हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं। 25 लाख क्या, वो मेरे को 25 करोड़ देते, मुझे नहीं बदलना था, कुछ भी दो, हम कृष्ण के ही हैं। मेरे गुरु ने हमें यहाँ पे ये बैठा दिया है बात, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 25 करोड़ भी देते, मैं उनको सीधा बोला 25 करोड़ भी दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, इससे पहले मैं आपके खिलाफ कुछ एक्शन लूं। हमारा अगर संकल्प दृढ़ है कि हमें कृष्ण ही चाहिए, इस दुनिया की कोई शक्ति हमें नहीं हिला सकती, उसके लिए संतों की वाणी पे अटूट विश्वास की जरूरत है, बहुत अटूट विश्वास की। अगर हमने माना है कि मैं कृष्ण की थी, मैं कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण की रहूंगी, दुनिया की कोई शक्ति हमें नहीं हिला सकती। 25 लाख, 25 करोड़, नॉनसेंस। कहाँ हमारे ठाकुर जी, कहाँ ये कचरा। पैसों की तुलना में ठाकुर जी से कोई कर कैसे सकता है। और मुझे इतना दुख होता है जब मैं देखती हूँ लोगों ने ये धर्म परिवर्तन कर दिया। मेरे को बहुत घृणा आती है ऐसी स्थितियों से, ऐसे लोगों से बहुत, क्योंकि जो मेरे ठाकुर जी का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। कैसा भी प्रलोभन आए जीवन में, कुछ भी हो जाए, हम राधा रानी के थे, हम राधा रानी के हैं, हम राधा रानी के ही रहेंगे। ये बात मेरे गुरु ने हमारे बुद्धि में बैठा दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान केवल कृष्ण ही है, इसके अलावा